मम्मी लाइट आ गई, चलो अंदर चल के सो। लगता है तेरा तीर सही जगह पे लग रहा है यार। हेलो, हाँ बोल। एक मिनट रुक, लाइट आ गई तो अंदर जाओ ना। हाँ, ए, अंदर जा के हाँ, कैसा है तू? तेरी फोटो आई अभी, तूने देखी क्या? तो तूने कहाँ देखी यार? फेसबुक में देखी है यार। फेसबुक पर? फेसबुक पे मैंने ही डाली थी। मैं फोन करता हूँ। क्यों? अरे छोटू, तुम्हारी पहुँच कमिश्नर तक है, क्या ये हम नहीं जानते? इस उम्र में बूढ़ी अम्मा के पास बैठकर गप्पे मारना चाहिए, उन्हें छोड़कर जवान लौंडों की तरफ फेसबुक पर चिपके रहते हो, ये बात आपको शोभा नहीं देती? हैं? फेसबुक पे अपना नाम डालकर तूने उसकी अभी भी जवान है। गुड मॉर्निंग सर। आओ बैठो। नमस्ते भाई। इनसे मिलो, ये हमारे मित्र हैं। इनके कहने से ही तुम्हारा तबादला हुआ है, तुम्हें इसकी मदद करनी है। हाँ क्यों नहीं सर। ए दुर्जन, कमिश्नर बदलवाया कोई बात नहीं, लगता है उसके हाथों मेरा इनकाउंटर करवाने का प्लान बना रहा है तू। ए, ये बात तो समझ गया हूँ, मैं बोल बचन नहीं करता, करके दिखाता हूँ, इसलिए सीना ठोक के कह रहा हूँ मैं। कमिश्नर और मिनिस्टर तक तेरी पहुँच है, इसीलिए तू इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है ना? आज से ठीक 3 दिन के अंदर मैं तुझे दुनिया से उड़ा दूंगा। क्या 3 दिन में? तेरा खेल तो मैं आज रात को ही खत्म करवा दूंगा। ए दुर्जन, जरा पलट के तो देख। नमस्ते सर, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। ये तेरी इतनी हिम्मत हो गई है? तू अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझता है क्या? मेरे ही आदमी को मारकर मुझसे अपॉइंटमेंट लेने आया है तू? फोन बज रहा है सर। हाँ बोलो शुक्ला। हाँ जीजा, कल्लू रमेश और चिन्ना पांडे ने मिलकर हमारे एक दुश्मन को मार के गिरा दिया। ऐसा क्या? हाँ जीजा जी। किसने किया ये सब? मैंने करवाया सर, कल्लू रमेश और चिकना पांडे को आपके लिए मैंने खरीद लिया है सर। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। हमारे भाई जब जिंदा थे तो 20% कमीशन लेते थे, और अब काम फायदे में होगा, आधा आधा 50%। आगे पीछे बिना सोचे समझे डायरेक्ट 50% की डिमांड करोगे तो हम इतना कैसे दे सकते हैं सर? 50% देने को तैयार हो तो ही यहाँ पर बिजनेस कर सकते हो। आज के बाद 10 लाख के ऊपर का कोई भी रजिस्ट्रेशन मेरी जानकारी के बिना नहीं होना चाहिए। जल्दी आओ ब्रदर। वाह, आज सुबह 7 बजे तैयार होकर जा रहा है, क्या मैटर है? लव मैटर है। हे, लव? किससे? अभी सेट नहीं हुई है, बताऊंगा। ब्रदर, अरे वो कौन है ये तो बता, मैं सेट करता हूँ ना। ब्रदर, भाई का फर्ज छोड़कर ससुराल होने का फर्ज निभाओ। हाँ जी हाँ। ओके, हमारी किरायेदार टीचर। क्या, वो ऊपर वाली? हे, उसे तो पलक झपकते ही सेट कर लेंगे, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। चलो उसे बुलाओ जो आपके पीछे खड़ी है। अरे बाप रे। गुड मॉर्निंग मिस। उस लड़के से बात करना इतना आसान नहीं। जानता हूँ। ये क्या कह रही हो बेटी? हाँ माँ,
बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे एमए का एग्जाम भी देना है। ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? माँ कहाँ ले जा रही हो? आओ आंटी अंदर आओ। माँ जी वो ऊपर वाली आंटी आई हैं। ये घर तक आ गई? आइए 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 बैठिए। बाप रे, कहीं मेरी शिकायत करने तो नहीं आ गई? आइए बैठिए ना। कोई बात नहीं। साहब घर पे नहीं है क्या? वो बाहर गए हैं, कहिए क्या बात है। नहीं कुछ नहीं, एक लड़का मेरी लड़की को बस स्टॉप पे बहुत परेशान कर रहा है और वो कह रहे हैं इसके पिता यहाँ नहीं है। आप भाई साहब से जरा कह देंगे उस लड़के को समझाने के लिए, प्लीज मेहरबानी होगी। आंटी बस स्टैंड पे? हाँ। मम्मी इस मैटर को मैं संभालता हूँ, आप अंदर जाइए। कौन संभालेगा? तुम संभालोगे? भाभी मैं मारपीट या चाकू चोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, इस मैटर को मैं सॉल्व करूंगा। देख पहले से ही देखिए चूल्हे पर कुछ चल रहा है, जाइए। बेटा नहीं बेटा, जाओ माँ। हाँ प्लीज। बच्ची जो लड़का तुम्हें परेशान कर रहा है उसे बताया नहीं कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ? क्या रिश्तेदार? मेरा मतलब मकान मालिक हूँ। नहीं तभी तो ये मसला खड़ा हुआ है। आंटी इससे कहो परेशान करने वाले को मुझे दिखाए, बाकी मैं संभाल लूंगा। सुन मालिनी भाई को साथ लेकर जा और उसे लड़का क्या? बता दे। हाँ क्या, क्या आंटी ये रिश्ता तो नहीं है। तो क्या रिश्ता है? नहीं आप बच्ची का मुझे भाई बोल रही हैं और आप छोटा कहकर बुलाती हैं, तो रिलेशन क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा। सही कहा बेटा, ए, अंकल को ले जाकर वो लड़का दिखा देना। बुढ़ा बना दिया। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं आंटी। बच्ची ये इंतजार करो, मैं तैयार होके आता। बिटिया तू यहीं पर रुक, मैं बैग लेकर आती हूँ। हाँ आंटी बैठिए ना। बोल भाई। बंगाली एक छोटा सा लफड़ा है यार। वो रहा चेक शॉट वाला। वो है ठीक है आगे जा। अरे जानेवान कितने दिन से तेरे पीछे पड़ा हूँ और तूने अब तक कोई जवाब नहीं दिया, जानती है मैं कितना चाहता हूँ तुझे। सुनो हमारी बस आई थी, एक बार कुछ बोल के तो जा। अरे पता तो चले तू मुझे चाहती है कि नहीं, बोल तो जवाब तो दे। रुक 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 रुक। क्या हुआ यार? तू आगे जाएगा तो वो कैसे जानेगी? ये सब मैंने किया है, मैं आगे चलता हूँ तुम पीछे आना, इफ यू डोंट माइंड। करोगे ना ऐसा? तो फिर चलिए। थैंक यू। इतना दिखावा क्या करता है ये? अरे हाँ यार लड़की लोग का चक्कर बड़ा खराब होता है। हेलो ब्रदर, तुम्हारा नाम राजेश है क्या? नहीं बालू। नाम तो तेरा अच्छा है मगर कैरेक्टर अच्छा नहीं है। इंसान का कैरेक्टर उसके लिए बहुत मायने रखता है। जानवर बेजुबान होते हैं मगर इंसान नहीं, वो कच्चा मांस खाते हैं लेकिन इंसान खाने जाता है तो दांत पड़ जाते हैं। इंसान गाड़ी भी चलाता है तो रास्ता देख कर चलाता है। ये सब देखेंगी तो चक्कर खा के गिर जाएंगे, इसलिए यहीं बैठी है। आप तो जा सकते हैं ना? मैं नहीं जा सकता है क्योंकि मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है ना, गुस्सा आ जाए तो अलग बात है। गलती से एक आध का खून हो गया तो बेवजह में पुलिस कोर्ट कचहरी चालू हो जाएगी, अच्छी बात नहीं है ना। भैया समझ गई। वो मेरी पत्नी है, दोबारा भूल के भी ऐसा मत करना ठीक है, वरना अगली बार ऐसे नहीं समझाऊंगा। वो चला गया। कहाँ पर? उसके साथ टेलर की दुकान पे। पहले नहीं बता सकता था, डायलॉग मिस हो गया। प्यारे ब्रदर आज से टीचर जी को मत छेड़ना क्योंकि तू उसे पसंद नहीं है। टीचर के बारे में बोल रहे हैं क्या ये? तू मुझे मत समझा, वो खुद आके बताएगी। वो कह दे कि तू उसे पसंद नहीं तो तू पीछा छोड़ देगा। ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, उसको मैं पसंद नहीं हूँ लेकिन वो तो मुझे पसंद है। अगर उसे पसंद नहीं है तो उसे परेशान नहीं करना चाहिए। अबे शाणे चल निकल यहाँ से, हवा आने दे चल। लगता है तू प्यार से नहीं मानेगा। आस्तीन के ऊपर चढ़ा रहा है। मैं प्यार से बात करता हूँ और ये लात से समझाता। चलो तेरी बारी। ए भाई एक चाय हो जाए। ए क्या कर रहा है? ए जान बचा के भाग जा, तुम डरो मत बच्चे कट्टी खेल रहे। तो डाल इसे।
तूने शर्ट क्यों फाड़ी? मारामारी का सबूत फटी शर्ट से दिया जाता है। ए, ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे रे रे, इन्हें अच्छा राशन पानी मिल गया। बच्चे बाहर आ जाओ, झगड़ा खत्म हो गया। बच्चे पैदा होने के 4 महीने बाद बच्चा करवट लेता है, 6 महीनों में घुटने पे चलता है, 9 महीने में पैरों पे। टाइमिंग के अनुसार हर चीज रफ्तार पकड़ती है। आज के बाद ये लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, और कोई परेशानी आए तो मुझे याद करना। थैंक्स। भगवान के लिए आप भी मुझे दोबारा परेशान मत कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। चिड़िया टूट गई। रुको रुको, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। क्या हो गया भाई? अरे क्या हुआ इसे? पता के नीचे दब गया था। हो गया जाएगा। बहुत बुरा हो रहा है। सर, उसने अपनी हरकतें चालू कर ली। इसको मिला के 4 जाने जा चुकी है। 60 फुट की परमिशन ली थी, 300 फुट खुदवा चुका है। अब रोजाना एक मजदूर की जान जा रही है। अब हमें कौन सहारा देगा? उसकी मनमानी हद से ज्यादा बढ़ रही है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा सर। अच्छा सुनो, तुम्हारे कैरेक्टर को जानने के लिए एक छोटा सा टेस्ट लेना होगा। कैसा टेस्ट? जो सवाल मैं पूछूं उसका सही जवाब देना। रात को 11 बजे एक बस स्टॉप पर 2 लोग मदद के लिए खड़े हैं। एक खूबसूरत लड़की अपनी जान की हिफाजत के लिए खड़ी है, और एक सीरियस बुजुर्ग आदमी भी वहाँ पर मौजूद है। और तुम गाड़ी से वहाँ पहुँचते हो, उनकी मदद कैसे करोगे? एक खूबसूरत लड़की की जान बचानी है और एक सीरियस बुजुर्ग को भी। इसमें क्या, दोस्त के साथ गाड़ी में उस बुजुर्ग को अस्पताल भिजवा दूंगा और लड़की के लिए रात भर बस स्टॉप पर खड़ा रहूंगा, फिर उसे लाइफ पार्टनर बना लूंगा। पर कैसे? ये तो मेरे लिए बाया हाथ का खेल है। तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो। ए, ये तो वो शैलू है ना? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो लड़की कौन है? तू रो मत। मैंने कहा ना रो मत। ये क्या है? ये उससे प्यार करता है और लड़की के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। सुनो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करो। डरो मत, घर जाओ। आशा जी। वेटर, बिल लाओ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ शिवा। ठीक है, मैं चलती हूँ।